नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज फिर से वही हॉस्पिटल स्टार हॉस्पिटल, उसकी करतूत एक और सामने आई है, जिसमें बिल को लेकर मरीज के परिजनों के साथ में किस तरीके से बिल में बढ़ोतरी की गई। पीपीई किट रेट, जो इससे पहले भी एक खबर में हम बता चुके हैं कि पीपीई किट मार्केट में बहुत ज़्यादा अगर रेट लगाया जाएगा तो 300 से 400 बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसके बावजूद 2000, 3000, 4000 और कईयों के तो लाखों में बिल सिर्फ पीपीई किट के बन गए। हम बात करेंगे उस परिजन से, इनके साथ किस प्रकार का शुरू किया और किस तरह का बिल बना स्टार हॉस्पिटल की पूरी करतूत। आइए हम बातचीत करते हैं परिजनों से कि क्या हालात थे वहाँ पे। क्या था पहले तो आपका नाम क्या और क्या नाम था आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम अरुण पांडुरंग कदम है और मेरा नाम उनका लड़का अक्षय कदम। कब एडमिट किया था और किस तरह के हालात हुए वहाँ पर, क्या क्या आप लोगों के साथ भी हुआ? शुरुआत से जानना चाहेंगे तो 15 तारीख के जून जुलाई के एक्चुअली 15 तारीख के इसको हमने एडमिट किया लाइफ केयर में, वहाँ से जून के तो वहाँ से हमने एडमिट करने के बाद वहाँ पे उनका स्वैप टेस्ट हो गया। एक्चुअली वो होना चाहिए था जिस दिन वो एडमिट हुए, तो 2 दिन के बाद उनका स्वैप टेस्ट किया गया। उसके बाद उनका स्वैप टेस्ट होने के बाद उनको जब जो एक्चुअली ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी वो वहाँ पर मिली नहीं, और वहाँ पर उनको जो खुद पेशेंट चल के गए थे वो वहाँ पर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, वहाँ पर वो आईसीयू में गए। वो आज तक मुझे पता नहीं चला कि वो जो पेशेंट खुद चल के गया है वो आज तक वो आईसीयू में कैसे गया। आपको प्रमुख रूप से क्या क्या गलतियाँ नज़र आती हैं कि स्टार हॉस्पिटल ने ये गलतियाँ की आप लोगों के साथ? एक्चुअली बाइंडिंग करना चाहेंगे तो अपन स्टार हॉस्पिटल एंड लाइफ केयर हॉस्पिटल ये एक ही इंसान का है, डॉक्टर महाबली सिंह, ठीक है। तो वहाँ पर हमें जब ट्रीटमेंट के लिए हमने डिमांड किया तो वहाँ पर हमको बोला गया कि जब तक कोविड का रिजल्ट नहीं आता हम आपके पेशेंट को ज़्यादा ट्रीट नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से जब भी स्वैप का टेस्ट आया और वो पॉजिटिव कोविड निकले तो उनके 4 दिन तक उनको तो कोई ट्रीटमेंट दिया नहीं गया, और उस हिसाब से उनका जो तबीयत था वो और डिक्रीज होते गया। वो उनका ऑक्सीजन लेवल जो 90% था, जब इस स्टार हॉस्पिटल में हमने उन्हें एडमिट किया उनका ऑक्सीजन लेवल 43% पे गया। एंड सेकेंडली जब उधर एडमिट होने के बाद जो उन पे ट्रीटमेंट होने के बाद वो उनका जो इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए वो एक्चुअली वो 15 दिन हो गया कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। हम लोग ने डॉक्टर से हम लोग ने बहुत कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, हमारे अपने डैड से अपने बात करने की कोशिश की किस प्रकार का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्या उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसमें आपको इम्प्रूवमेंट ना होना तो दवाइयाँ लगातार चल रही थी, लगातार डॉक्टर अपना इलाज तो ठीक से कर रहे थे, जिस तरह से उनको करना चाहिए प्रोसीजर में कर तो रहे थे। एक्चुअली वो मुझे तो इस प्रकार बता रहे थे कि उनका ट्रीटमेंट बारे बहुत हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। खुद डॉक्टर ये बोल रहे थे कि भगवान की दया से तुम्हारे पिताजी बहुत बच गए, नहीं तो वो वेंटिलेटर पे जाते थे और उनका बचना कुछ नामुमकिन था। इस हिसाब से अगर डॉक्टर ही बोलने लगे तो हम अपने अभी जाए कहाँ पे, डराया गया हमारे हमको। इस तरह से बिल बनाया गया देखा जाएंगे। प्रमुख गलतियां जो आपको लगती है आप गिनाने वाले, कितनी प्रमुख गलतियां? गिनना के मैं आपको बता सकता हूँ टोटल 7 गलतियां जो उन्होंने आज तक की है, जिसमें पहले आता है पीपीई किट का, जहाँ पे उन्होंने जो रेट लगाया है वो एक्चुअली आप पर डे के हिसाब से अगर वो रेट लगाते हैं वो है 5000 के ऊपर, कभी कभी तो उन्होंने 14200 का लगाया। मेरे पास अलग अलग बिल है जो हर डे टू डे में, अगर मैं खुद मिडिल क्लास आदमी हूँ मैं वहाँ वो पैसा कहाँ से लेके आऊँगा, ये किस चीज़ का उन्होंने ये ख्याल नहीं रखा। हर दिन का उनको पीपी किट का पैसा देना पड़ता था, क्योंकि मुझे तो मेरे डैडी इंपॉर्टेंट थे, पैसा तो मुझे कहीं और से लेना ही है, भले मेरे डैडी को कुछ भी हो जाए मुझे तो लेना ही है। तो उस हिसाब से मैं हर दिन का पीपी किट का पैसा भरता था। सेकेंडली फिर पीपी किट कितने मूल्य आज तक मैंने टोटल 93,700 का पीपी किट का मैंने खर्चा किया है, प्लस 31,000 का 600 उन्होंने और डिमांड किया था पीपी किट के लिए, जो अब तक मैंने ये नहीं किया। सेकेंडली फिर आता हूँ मैं आईसीयू का बेड चार्ज जो उन्होंने लगाया था पर डे के हिसाब से 3,500, एंड फिर नर्सिंग चार्ज आता है, नर्सिंग चार्ज उन्होंने 500 लगाया है जो है 25 दिन का, एंड फिर डॉक्टर विजिट जो अलग अलग जो उसमें आईसीयू में ही कवर होता है, उसमें जहाँ पे आईसीयू मतलब क्या, जहाँ पे उनको टोटल 24/7 फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल होती है उसको अपन बोलते हैं आईसीयू, जहाँ पे ऑक्सीजन भी आता है, फिर डॉक्टर चार्ज आता है, डॉक्टर आते हैं, नर्स आते हैं,
तो उसके बिना तो आईसीयू चल ही नहीं पाएगा। जहाँ पे इक्विपमेंट्स भी आता है तो वहाँ पे डॉक्टर महाबली सिंह का जो पर डे का चार्ज है तो 2000 है। डॉक्टर ओम वर्मा जो वहाँ पे मैंने वहाँ पे इंक्वायरी करने के बाद मुझे पता चला कि वो 4 महीने तक डॉक्टर ओम वर्मा है ही नहीं इस हॉस्पिटल में, फिर भी चार्ज लगा है। पर डे का उनका 600 रुपये का चार्ज है, उस हिसाब से मेरा 25 दिन का चार्ज उन्होंने 65,000 लगाया। एंड ऊपर से फिर HGT है जो डायबिटोलॉजी, वो तो हर दिन तो कोई डायबिटीज तो चेक नहीं करता। सेकेंडली बाइट्रैप करते हैं, वो है ऑक्सीजन का एक ये है इक्विपमेंट है जो वो 15 दिन का लगाया है। उसके अलावा ऑक्सीजन का जो खर्चा किया उन्होंने वो 25 दिन का लगाया है। वो एक्चुअली अगर बाइट्रैप भी लगाते हैं और ऑक्सीजन भी लगाते हैं तो वो चार्ज लगाना ही नहीं चाहिए, दोनों में से कोई भी एक चार्ज लगाना चाहिए, अलग से चार्ज क्यों। सेकेंडली यहाँ पे किसी रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगाया है वो है 1000 रुपीज़। और फिर कोरोना केयर का 25 दिन का 1500 का। कोरोना केयर मतलब नक्की है क्या? पर डे का 1500 रुपये कोरोना केयर का लगाया है। 25 दिन के हिसाब से 37,500 का चार्ज लगाया है उन्होंने। इस हिसाब से मेरा ओवरऑल टोटल बिल अगर मैं गिनाने जाऊँ तो सिर्फ ICU का 2.5-2.5 लाख होता है। उसके अलावा उन्होंने मुझे फार्मेसी का अलग से बिल दिया जहाँ पे उन्होंने अलग से चेकलिस्ट किया है, 1,18,000 का 302 का बिल लगाया है। PPE किट का अलग से मुझे चेकलिस्ट में बोल रहे थे कि 37,000 का 600 का भरे। फिर पैथोलॉजी 5,600 का, एक्सरे का 9,000, 10,000 का एक्सरे का 10 दिन का 15 दिन का। ये सारे बिल अलग से क्यों? अगर मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, अपने पिताजी को डिस्चार्ज कर रहे थे उस दौरान डॉक्टर और स्टाफ की तरफ से आपको आसानी से जाने दिया क्योंकि अभी आप किसी और हॉस्पिटल में इलाज करा? मुझे बहुत तकलीफ दी यहाँ पे, मेरे जो माता जी है मेगा कदम उनको भी बहुत सारी तकलीफ दी। उनके कॉल पे उनके डायरेक्ट धमकी वाले कॉल आते थे, आपको यहाँ पे आपको पैसा भरना ही पड़ेगा। उस हिसाब से हम लोग ने पहले एक्चुअली एडमिशन के टाइम 50,000 भरे, उनके डिमांड होने के बाद फिर 3 दिन में 30,000 ऐसे करके 20,000 करके हम लोग ने टोटल 1 लाख का हम लोग ने डिपॉजिट भर दिया था। वो आज तक मुझे पता नहीं चला कि वो चीज़ का कारण क्या है, वो 1 लाख लेने का कारण क्या है। ठीक है, उसका बिलिंग मुझे मेरे पास अभी तक है नहीं, मुझे सिर्फ रिसिप्ट दिया गया कि हम लोग ने पैसा भरा है करके। एंड सेकेंडली फिर 93,700 हम लोग ने हमकी ये चीज़ की कि आपको इतना आपका भरना पड़ेगा, आपका बिल 4.5 लाख हो गया, आपका 6.5 लाख बिल हो गया। आज तक हम लोग ने 2 लाख टोटली पैसा भर दिया है। एंड सेकेंडली उनका जो डिमांड था वो था 4.5 लाख और भरिए, टोटल बिल हो गया 6 लाख का, 23,000 का बिल हुआ था हमारा। तो हमारा फ़ोन को हमको आता था कि आपको ये बिल भरना ही पड़ेगा, आपको 2 लाख अभी भरना पड़ेगा, आपको कुछ भी करिए आपके पेशेंट के लिए, हम इतना कर रहे हैं तो इतना कर रहे तो 25 डेज क्यों लगे। मेरा सवाल ये है अगर मेरे पास पैसा हो या ना हो मैं किधर से भी अरेंज करवाता हूँ, लेकिन मेरा पेशेंट जो कोरोना का अगर पॉजिटिव है गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के डॉक्टर के हिसाब से भी खुद बोलते हैं कि 14-15 दिन में आपका पेशेंट घर आना ही चाहिए। तो मेरे पेशेंट मेरे जो पिताजी है वो 25 दिन में खुद के पैर के पे अभी तक खड़े क्यों नहीं है? अब जहाँ पर आप इलाज करा रहे हैं वहाँ क्या हालात है? यहाँ पे वो जहाँ पे हम अभी इलाज करा रहे हैं वह है ट्रामा हॉस्पिटल जोगेश्वरी में। वहाँ पे अभी तकरीबन 15 दिन हो गए, वहाँ पे जाने के बाद गए लास्ट 6 डेज में 6 दिनों में ही उन्होंने अपना ऑक्सीजन बहुत अच्छे तरीके से छुटवा दिया है। वो अभी अच्छे से हलचल कर रहे हैं, फिलहाल तो वो क्वारंटाइन सेंटर में है, डिस्चार्ज हो सकता है बाइक एडलाइट 12 तारीख या 11 तारीख तक वो खुद घर पे आ जाएंगे, खुद अपने पैरों पे चल के आ जाएंगे। आपकी क्या मांग है, आपकी किस संगठन ने आपकी मदद की, किस तरह की मांगे हैं और क्या आप चाहते हैं हॉस्पिटल में? एक्चुअली 15 दिनों पहले हम जब 15 दिन हो गए स्टार हॉस्पिटल में, हम लोग ने बहुत फाइट किया, फिर हम लोग जब भी बहुत थक गए और हार गए तो हम लोग ने प्रहार जनशक्ति पक्ष है जो हमारे साथ है जतिन दादा, वो हमारे उन्होंने हमको हेल्प, फिर हितेश दादा है तो उन्होंने हमको बहुत हेल्प किया, हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। क्या चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत गलत है। एक तो आप पैसा बहुत लूटपाट कर रहे हो सामान्य जनता से, और आप अपना जो काम होना चाहिए पेशेंट के लिए से, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है तो वो तो पहली बात कम पे वो लोग बहुत गलत धंधा कर। जितिन जी क्या कहना है आपका, किस तरह से कार्रवाई करेंगे और किस तरह के मांग करेंगे आगे की, क्योंकि प्रहार जनशक्ति पूरी तरह उतर चुकी है मैदान पर, तो आगे किस तरह से मदद करेंगे परिजनों की और खासकर हॉस्पिटल के खिलाफ किस तरह कार्रवाई? देखिए पहली बात तो क्या है कि एज पर गवर्नमेंट जो रेट है वो रेट के हिसाब से इन्होंने अभी जब आपका पूरा ट्रांसलेशन कर दिया, मतलब पूरा पोस्टमार्टम आपको बता दिया गया बराबर, तो उस हिसाब से उन्होंने जो भी रेट लगाया, मतलब एक्चुअली कैसा होता है
कि एज पर गवर्नमेंट रेट में जो भी मतलब चार्जेस है वो चार्जेस में सब कुछ इंक्लूड है। मतलब इन्होंने क्या किया कि वो सब अलग अलग चार्जेस दिखा के ये लोगों को किधर तो मतलब दिशा भूल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। और जो अपने महाराष्ट्र राज्य के सामान्य नामदार जो राजेश टोपे जी है उनके पास हम लोग ने लेटर अर्जी से वो पूरा कंप्लेंट कर दिया था, और उसके बावजूद जो हमारे प्रहार जनशक्ति पक्ष के जो संस्थापक अध्यक्ष है उन्होंने उनसे भी कल मुलाकात हो गई थी 5 अगस्त को। तभी उन्होंने भी बोला कि ये सब कुछ मेरे को पोस्टमार्टम लिए जब भी है तकरार कीजिए, और मेरे पास 43 पेशेंट लोग का पूरा ही काला चिट्ठा है वो सब हॉस्पिटल का, और उनके ऊपर हम लोग डायरेक्ट कार्रवाई कायम स्वरूप की ऐसा हम लोग करने वाले हैं, उसके ऊपर हम लोग ऐसा ही आंदोलन करने वाले हैं। उसी ये थे प्रहार जनशक्ति के कार्यकर्ता। लेकिन जहाँ तक परिजनों का कहना है, स्टार हॉस्पिटल ने जिस तरीके से बिलिंग किया है और जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया है, बिलिंग और ट्रीटमेंट दोनों में संदेह उत्पन्न होता है। जिस तरह से सीधे तौर पर 7 गलतियाँ गिनाई स्टार हॉस्पिटल की, वो काफ़ी गंभीर हैं। इस तरह के कोरोना काल में बेरोजगारी एक तरफ है, आम आदमी परेशान है, तो इस तरह के हॉस्पिटल के लोग ये धंधा या इस तरह का पैसा वसूलने का काम निश्चित रूप से गलत है। निश्चित रूप से इन ऐसे हॉस्पिटल्स पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद।